राजीव अदातिया की बहन दीपा अदातिया, उनका शमिता शेट्टी के ऊपर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। शमिता शेट्टी किस तरह से राजीव को चला रही हैं, वो सब कुछ उन्होंने अपने इंटरव्यू के अंदर कहा। चैनल पर नए हैं, जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन पर जल्दी से क्लिक कर लीजिए। दोस्तों, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दीपा ने साफ साफ कहा कि शमिता का राजीव से जो रिश्ता है वो काफ़ी पुराना है और पिछले कुछ टाइम से शमिता शेट्टी राजीव अदातिया से मिलती ही नहीं थी। जब ये लोग बिग बॉस सीजन 15 के घर में आए तो ये अब आके शमिता अपने रिश्ते को काउंट कर रही है। हालांकि हम मानते हैं कि शमिता ने राजीव को ज़रूर बचाया हो, मगर वो रिश्ते की आड़ में अपनी गेम खेल रही है। शमिता शेट्टी राजीव अदातिया को अपने एक चेले की तरह से ट्रीट करती है, चेले की तरह अपने गेम के अंदर वो इस्तेमाल करती है, क्योंकि शमिता को भी एक का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप जानते होंगे कि शमिता का बिग बॉस के घर के अंदर स्ट्रांगली साथ देने वाला कोई नहीं है, सिवाय नेहा बसीन के। अब नेहा बसीन भी बाहर हो गई हैं, बचा कौन? राजीव। तो इसलिए राजीव को शमिता शेट्टी अपने साथ बनाकर लेके चलना चाहती हैं, ताकि अगर कहीं नॉमिनेशन हो या फिर कोई घर से बेघर करने वाली सपोर्टिंग की बात क्यों ना करें, जहां पर राजीव ऑलरेडी सेफ हो तो वो मुझे बचा सके, फिनाले तक मैं पहुंच सकूं, उसका टारगेट ये है। बाकी रिलेशन को इतना ज़्यादा इनका स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट राजीव को शमिता शेट्टी ने भाई बनाया हुआ था। ये रिश्ता काफ़ी टाइम पहले था, मगर एक बार फिर से कंटिन्यूसली किया गया। मगर जो अभी तक मैं गेम के एंगल से देख रही हूँ, तो शमिता ने चेला बनाया हुआ है राजीव को, और राजीव की कहीं अगर बात आती है सपोर्टिंग की, चाहे लड़ाई झगड़ा हो, तो वहाँ पर शमिता साथ तक नहीं देती। अगर बात आई थी बचाने की, तो उसने अपने रिश्ते के बेस पर राजीव को बचाया, वो उसका कारण बनता था। अगर आगे चल करके शमिता नॉमिनेट होगी, राजीव सेव होगा, तो राजीव के हाथ में पावर होगी, तो राजीव शमिता को ज़रूर बचाएगा। यानी कि कठपुतली बनाया हुआ है राजीव को शमिता ने। ये दीपा अदातिया, राजीव की बहन, एक 12 मिनट के इंटरव्यू के अंदर ये सारी चीज़ों का खुलासा करती हैं। क्या दीपा का राजीव की बहन का खुलासा ये क्या सही है या फिर नहीं, वो नीचे हमें कमेंट में लिख के जल्दी से बताएं। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है।